रोकूंगी। आपने जिक्र किया है आम आदमी पार्टी का कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी सफाई दे रही है। दरअसल जो मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी चल रही है, इसका आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। संजय सिंह ने इस छापेमारी पर क्या कुछ कहा, ये हम सुन लेते हैं। सरकार का असली चेहरा देश के सामने करता है ये घटना। ये बताती है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल से मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आज जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हुई, ये पहली बार नहीं हमारे ऊपर छापा, सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, कई बार हम लोगों के ऊपर छापे पड़ चुके। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था, मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, सत्येन जैन के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था। 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, एफआईआर की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। तो ये सुंगलू कमेटी एक बनाई थी, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। इस छापेमारी को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि शराब के ठेकों से जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर के ये छापेमारी हुई है, ये सुन लेते हैं। मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ, शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है। जनता को मूर्ख ना समझे, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई, आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त ना चली जाए। पर जनता और देश जवाब चाहता है, ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार, ये जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सच्चाई सामने आई कि कैसे घोटाले किए हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रियंका और मानव। मानव, मैं आपके पास आती हूँ। बीजेपी लगातार हमलावर है, लेकिन आप ये बताइए कि जो इस वक्त छापेमारी चल रही है, कितने सीबीआई के अधिकारी इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर के अंदर मौजूद हैं, और क्या कोई अहम दस्तावेज अभी तक उनके हाथ लगे हैं? जसवीर, देखिए 3 घंटे पूरे हो चुके हैं इस सीबीआई की रेड को, और इस दरवाजे के बाहर सिर्फ मीडिया का जमावड़ा हमको दिखाई दे रहा है। घर के ना तो कोई अंदर गया है, ना घर के अंदर से कोई बाहर आया है। मनीष सिसोदिया का जो आवास है मथुरा रोड पर, उसके 2 दरवाजे हैं, और ये दरवाजे जस के तस इसी तरीके से बंद हैं। इस पर बाहर से ताला लगा हुआ है। ये दरवाजा अक्सर बाहर आने के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ से अधिकारियों की गाड़ियां बाहर निकलती है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो आपको जो सीबीआई के एक अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर आपको उनकी तैनाती दिखाई पड़ेगी। उन्होंने बकायदा सीबीआई की जो जर्सी है वो यहाँ पर पहनी हुई है, उनकी जर्सी के पीछे सीबीआई लिखा हुआ है। तो लगातार अधिकारी घर में मौजूद है। घर में कौन कौन है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। ये भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया घर के अंदर है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। मनीष सिसोदिया के साथ साथ कौन कौन दिल्ली सरकार के अधिकारी मौजूद हैं, इसकी भी हमको जानकारी का इंतजार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुल 11 अधिकारी हैं, जिसमें 12वें होते हैं मनीष सिसोदिया। तो 11 अधिकारियों पर ये पूरी जांच चल रही है। उन 11 को पहले ही सस्पेंड भी किया जा चुका है, और उनमें से 4 के घर पर रेड भी सीबीआई सुबह से लगातार कर रही है, जिसमें पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, ऐसे तमाम राज्य शामिल हैं। जसप्रीत, और चलिए अब देखते हैं सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड, सिसोदिया के घर समेत दिल्ली एनसीआर में 21 जगह पर छापेमारी, सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली सहित 7 राज्यों में सीबीआई की छापेमारी, 2 सरकारी अधिकारियों समेत कई शराब कारोबारियों के घर पीट छापे। मनीष सिसोदिया ने आरोपों को झूठा बताया, जांच में पूरे सहयोग की बात कही। ट्वीट कर कहा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में अच्छा काम करने वालों को परेशान किया जाता है।
करीब एक महीने पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। दिल्ली के प्रधान सचिव ने अपनी जांच में पाई थी अनियमितताएं। नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए लाभ देने का आरोप। मनीष सिसोदिया के घर रेड पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। कहा, दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को रोका जा रहा है। पहले भी कई तलाशी और छापे हुए लेकिन कुछ नहीं मिला। अब भी कुछ नहीं मिलेगा। सीएम केजरीवाल ने कहा, 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम करने की कोशिश की उसे रोका गया। दिल्ली के अच्छे कामों को रोकने नहीं देंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीबीआई छापे को सही ठहराया। सीएम केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार हुआ। केजरीवाल राजनीति में आए और भ्रष्टाचार में शामिल हुए। सीबीआई रेड को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। गौरव भाटिया ने कहा, अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का है, लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने सीएम केजरीवाल पर लगाया आरोप। कहा, इन लोगों ने खराब तरीके से पॉलिसी बनाई। 9000 रुपए आने की बात कही थी लेकिन सिर्फ 3500 करोड़ रुपए आए, लेकिन इन्होंने इसी पैसे से पंजाब और गोवा का चुनाव लड़ा। मनीष सिसोदिया के घर रेड को लेकर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, सभी जांच एजेंसियां विपक्ष और सीएम केजरीवाल के पीछे हैं। पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, शिक्षा मंत्री को डालेंगे। तो ये बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम, उनके घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है। छापेमारी चल रही है और मनीष सिसोदिया ने ही ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। आगे मनीष सिसोदिया क्या लिखते हैं ये हम आपको बताते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरीके से परेशान किया जाता है। जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरे काम को रोका जा रहा है। ये मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट किया गया है। लगातार मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं कि उनका शिक्षा मॉडल है, जो उन्होंने लाखों बच्चों के लिए स्कूल में काम किया है, दिल्ली की शिक्षा नीति की तारीफ पूरी दुनिया में होती है, उसी से केंद्र सरकार घबरा गई है, इसलिए सीबीआई की टीम को यहाँ पर भेजा गया है, ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे हैं, उन्होंने आबकारी नीति को लेकर के अभी तक कुछ नहीं कहा है। जितने भी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं वो जवाब में ये कह रहे हैं, शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, अपने शिक्षा मॉडल को आगे रख रहे हैं, लेकिन जो एक्साइज पॉलिसी जिससे राजस्व को नुकसान हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। और तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बीजेपी के अलग अलग नेताओं की तरफ से रिएक्शन से सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि अगर वो सच्चे हैं, अगर वो ईमानदार हैं, तो फिर जांच से कैसे घबराना। ये बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं। तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शराब पीने की उम्र सीमा को 21 से घटाकर 18 कर देंगे, क्या ये बताएंगे वो सरकार में इसलिए आए थे कि शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो काम करे, नई शराब नीति लाए जिसमें हजारों करोड़ रुपए शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने का, गलत तरीके से उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो घबरा क्यों रहे हैं? अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश मत करिए मनीष जी। ये जो बेचारा पॉलिटिक्स है ना, ये खत्म हो चुकी है, लोग समझ चुके हैं। आपने अगर गलत किया है तो आप बचेंगे नहीं। इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी लिकर माफिया इन्वॉल्व थे या जिन जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई, ऐसे खराब तरीके से बनाई और इससे सरकार को 3000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ, बहुत बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है, गोवा पंजाब के चुनाव इन्होंने इन्हीं पैसों से लड़े हैं, तो ये सारी बातें अभी सामने आ जाएंगी। सीबीआई ने सारे सबूतों को इकट्ठा करके ही ये सारी जांच कर रही है। प्रियंका के पास चलते हैं। प्रियंका, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये तो भ्रष्टाचार का मामला है, जिस पैसे का इस्तेमाल किया गया वो तो चुनाव के समय हुआ, पंजाब में चाहे चुनाव हो या फिर गोवा चुनाव की बात करें। और यहाँ पर देखना ये होगा कि जो एक्साइज पॉलिसी थी वो पिछले साल आई थी और उसके कुछ महीने बाद पंजाब में चुनाव होते हैं। जी बिल्कुल, लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि इस नई एक्साइज पॉलिसी से जो पैसा आम आदमी पार्टी ने कमाया है उसे पंजाब और गोवा के इलेक्शंस में इस्तेमाल किया है। उनका कहना है वो पैसा वो टकार गए और ऐसे में अब
आप ये भ्रष्टाचार जो लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी के भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है इस वजह से सीबीआई की रेड हो रही है, अगर किसी तरीके की कोई गलती नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि मुद्दा तो एक्साइज पॉलिसी का है ही नहीं, मुद्दा है कि किस तरीके से दिल्ली की शिक्षा क्रांति जो है वो केंद्र सरकार को नागवार गुजर रही है। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को जेल में डाला है वैसे ही मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दे और इस तरीके से सरकार गिराने की कोशिश है, सरकार को हटाने की कोशिश है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। ऐसे में दोनों पार्टियां पक्ष और विपक्ष जो है यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर हमलावर लगातार नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष एक्साइज के मुद्दे पर हमेशा से दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी पर भारी ही रहा है। जिस तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह के बाद एलजी के पास जाकर सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की, उसके बाद दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी को वापस करने की बात की, हालांकि अभी एक्सटेंडेड फॉर्म में 30 सितंबर तक ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हावी होता हुआ विपक्ष जरूर नजर आ रहा है और यही कारण है कि बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे हैं कि आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप ये मत बताइए कि दिल्ली में शिक्षा के लिए आपने क्या किया है। वो साफ तौर पर पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि एक्साइज पॉलिसी के घोटाले का पैसा कहाँ गया, क्या आपने लाइसेंस इसका जवाब अभी तक नहीं आया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब मानव भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रियंका मानव आप सिलसिलेवार तरीके से जल्दी से टाइमलाइन समझा दीजिए कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसा है।